भरतपुर शहर में होटल प्रताप पैलेस के कमरे में तीन बच्चों की मां को उसके प्रेमी ने गोली मार दी। प्रेमी ने पहले महिला पर एक हथियार से वार कर उसे घायल किया। उसके बाद कमरे में ही बने शौचालय में ले जाकर महिला को देशी कट्टे से गोली मार दी और फिर खुद को भी गोली मारकर जान दे दी। भरतपुर में रंजीत नगर के रहने वाले बदन सिंह मीणा की आईडी से होटल प्रताप पैलेस में कमरा नंबर 202 बुक करवाया गया था। जब देर तक कमरे में कोई नहीं निकला और चाय पानी तक का ऑर्डर नहीं मिला तो होटल के कर्मचारी ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। इसके बाद मथुरा गेट थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने कटर से दरवाजे का लॉक तोड़कर देखा तो महिला संतोष और उसके प्रेमी नसरू शौचालय में मृत मिले, साथ ही पास में देशी कट्टा पड़ा मिला। FSL टीम ने कमरे की गहनता से जांच की। ASP मुख्यालय प्रकाश शर्मा और CO सिटी आबरदान रत्नु भी मौके पर पहुंचे। मृतका के पति बदन सिंह की आईडी से यह कमरा बुक करवाया गया था। बदन सिंह इस बात से हैरत में है। कमरे में बेड के पास भी खून के धब्बे मिले, जबकि मृतका के सिर में एक जगह गोली लगने से छेद बना हुआ है और उसके पास एक और भी निशान है। इससे पुलिस को आशंका है कि पहले कमरे में महिला के सिर पर हमला किया गया, फिर बाथरूम में ले जाकर उसकी हत्या की गई। प्रेमिका के मरने के बाद प्रेमी ने खुद को गोली मार ली। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।